तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में अकल्पनीय हैं, तस्वीरें बहुत विशालकाय हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है, शुरुआत में तैयारियों का जायजा लेने हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दूं कि हज़ारों की भीड़ नज़र आ रही है, श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हुए हैं। इसके साथ ही ये जो भीड़ है हर बार की तरह लाखों में तब्दील होने वाली है। यहाँ लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं महाकुंभ में, तो महाकुंभ का अवसर और लोग श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, मौजूद हैं, लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आपको बता दूं शाम का वक्त है तो आरती जो है वो भी शुरू होने वाली है। आरती शुरू होने से पहले वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा उनको सिस्टम से बैठाया गया है। इस बार जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है वो व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है। आपको बता दूं जो सड़कें हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, वो बहुत तेज़ी से बनाए गए हैं। फ्लाईओवर्स बन जाने से अब जो ट्रैफिक है उस पर बहुत ज़्यादा उसमें रोक लग चुकी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता, रास्ते बहुत खुले खुले से नज़र आते हैं, आप बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। इसके साथ ही सिस्टमैटिक सब कुछ किया गया है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं यहाँ पर, पुलिस जो है लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोग नहाने आते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह पर टेम्पररी ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, ताकि लोगों को उससे और ज़्यादा आसानी हो, सरलता मिले। इसके साथ आप यहाँ पर जब देखते हैं तो पाएंगे कि पंडितों के लिए अलग से यहाँ पर उनके लिए ब्रैकेट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर अलग से उनके लिए स्टॉल्स टाइप के बनाए गए हैं, वहाँ पर पंडितों के बाकायदा नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पर एक जो फीस है वो निर्धारित कर दी गई है। फीस के थ्रू आप जो भी काम करवाना चाहते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर व्यवस्थाओं पर इस बार काफ़ी जोर दिया गया है। व्यवस्थाएं इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इस पर खासा अपना सीधा ध्यान दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नज़र महाकुंभ पर बनी हुई है। तो महाकुंभ में तैयारियों को लेकर अभी तक तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तैयारियाँ बहुत अच्छे स्तर पर नज़र आ रही हैं, तैयारियों का विशेष ख्याल रखा गया है, तैयारियों का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो खिलौने भी बेच रहे हैं, इसके साथ ही कई लोग हैं जो यहाँ पर फल फूल बेच रहे हैं, जो इसके साथ ही अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, तो रोज़गार जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है लोगों को यहाँ पर इस महाकुंभ के ज़रिए। तो ये मेले का जो आयोजन किया गया है इस पर जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको कहीं ना कहीं बहुत बल मिलता है, हमारी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही अब मैं बता दूँ कि महाआरती शुरू हो चुकी है, तो हम आरती सुनते हैं, आरती का आनंद लीजिए, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ।
आपने आरती को सुना, अपने आप में एक बहुत मन को शांति देने वाली चीज़ हो जाती है। गंगा जी में जरूर नहाइएगा, महाकुंभ में जरूर आइएगा। कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविन चौहान, हरिद्वार से।